नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वास्तु टिप शेयर करने वाली हूँ। आप में से बहुत से लोग ये सवाल भी कर रहे थे और मैंने सोचा आज इस पर एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए। वो ये है कि घर में लॉकर कहाँ रखा जाए। आप देखिए, लॉकर की पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवन में पैसे की स्टेबिलिटी रहे, मतलब जो पैसा आए वो हमारे पास टिका रहे। सर्टनली बढ़ोतरी तो हो ही हो, तो उसके लिए जो है वास्तु का कौन सा जोन है जो इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप लॉकर रखें तो लॉकर जो है दो तीन जोन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हीं में रखें। जो सबसे पहला जोन आता है वो आता है साउथ वेस्ट जोन। जो जोन साउथ और वेस्ट के बीच में है वो है साउथ वेस्ट जोन। तो साउथ वेस्ट जोन जो है वो स्टेबिलिटी का जोन है। वहां पे जो चीज आएगी वो स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो लॉकर जो है वो साउथ वेस्ट जोन में ही रखें। उसके अलावा साउथ वेस्ट जोन के बाद जो अगला जोन आता है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, मतलब वेस्ट और साउथ वेस्ट जोन के बीच में जो जोन है उसको हम वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट कहते हैं। अब जो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन है वो सेविंग्स का जोन है। तो हम सब चाहते हैं कि पैसा आए, स्टेबल रहे, हमारे पास टिका भी रहे और साथ साथ बढ़े भी, हमारी सेविंग्स जो है वो बढ़े भी। तो उस केस के लिए आप जो है अपना लॉकर जो है या गुल्लक जो है वो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं। सो दो जोन्स मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ, साउथ वेस्ट क्योंकि वो स्टेबिलिटी का जोन है और वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट वो सेविंग्स का जोन है, तो यहां पे भी आप लॉकर रख सकते हैं। उसके बाद जो अगला जोन आता है वो आता है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन जो है वो प्रॉफिट का जोन है। ठीक है, मेरे पास मेरा काम अच्छा चल रहा है, मेरे पास बहुत मौके भी आ रहे हैं, पर पैसा आ रहा है और साथ साथ जा भी रहा है, पैसा टिक नहीं रहा है, प्रॉफिट नहीं बुक हो रहा है, तो प्रॉफिट के लिए जो जोन हम देखते हैं वो है वेस्ट जोन। तो आप जो है अगर अपनी गुल्लक या अपना डेली का जो कैश है या जो आपके बिजनेस से जो प्रॉफिट हो रहा है, वो जो कैश आ रहा है, अगर आप उसे वेस्ट जोन में रखेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। अब देखिए, जब हम गुल्लक को साउथ वेस्ट में रख रहे हैं तो वो खुल किस तरफ रही है, उसका फेसिंग किस तरफ हो रहा है, फेसिंग हो रहा है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वो भी अच्छा होता है क्योंकि नॉर्थ जो है वो जोन है कुबेर का, वो धन का स्थान है, तो अगर उस तरफ फेसिंग है तो बेटर है। पर गुल्लक रखनी आपने साउथ वेस्ट, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या वेस्ट जोन में ही है। अब अगर मान लीजिए आप वेस्ट में या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में गुल्लक रख रहे हैं तो कोशिश करें कि आपकी जो गुल्लक है या जो आपका लॉकर है उसका रंग जो है वो व्हाइट हो या ऑफ व्हाइट कलर का हो। यदि आप साउथ वेस्ट में रख रहे हैं तो आप जो है एक गोल्डन कलर का कपड़ा या गोल्डन कलर से पेंट करके उसके ऊपर जो है अपना लॉकर रखें, इससे जो है स्टेबिलिटी रहेगी। गोल्डन कलर क्यों कहा मैंने, क्योंकि गोल्डन कलर जो है वो अर्थ एलिमेंट है, वो स्टेबिलिटी लेके आता है। यहाँ पे हम चाहते हैं कि पैसे की स्टेबिलिटी बनी रहे, तो इसके लिए गोल्डन कलर का इंक्लूड करना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके अलावा जो चीजें आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग्स हो, जैसे कि मान लीजिए आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं या आप स्टॉक्स में डील करते हैं, आपके शेयर मार्केट के पेपर्स हैं या कोई भी ऐसी चीज जिसमें कि पैसे को लेके ग्रोथ की बात हो रही हो, तो वो पेपर्स भी आप वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में या वेस्ट जोन में अगर रखेंगे तो इट विल बी बेटर। अब बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जी मान लीजिए हमारा साउथ वेस्ट में कमरा नहीं है या वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में कमरा नहीं है तो हम वहां पे क्या करें। इन दैट केस आप एक ऑफ व्हाइट कलर का बॉक्स लें या जैसे मैंने कहा ऑफ व्हाइट कलर की एक गुल्लक लें और उसमें कुछ पैसे डाल के वहां रख दें, फिर देखिए आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी, पैसे की ग्रोथ भी होगी।